Assalamualaikum, welcome to my Madhil channel. तो आज मैं बनाने वाला हूँ फ्राइज, पोटैटो फ्राइज। चलिए आइए देखते हैं किस तरह बनने हैं। सबसे पहले मैंने आलू को छील लिया हुआ है, आप जो देख सकते हैं। अब इसको जो है अच्छी तरह कटी कर लूँगा, इसकी तरह अच्छी शेप बना लूँगा आलू की, आप लोग देख सकते हैं। अब पानी में इसको भुगो के रखा हुआ है ताकि सारे जितने भी इसमें कदुल्ला जितना भी मिट्टी वगैरह होगी वो सबको साफ हो जाएगी। अब इसको घुमा रहा हूँ कि अच्छी तरह से सारी मिट्टी साफ हो जाए। तो दूसरा पतीले में बड़े शिफ्ट कर लिया है। अब इसके अंदर जो सॉल्ट ऐड कर दूंगा, 2 चम्मच साल्ट ऐड कर दूंगा। जी हाँ, साल्ट ऐड हो गया है। जी हाँ हो गया है। अब आग चला दूंगा, इसको बॉईल करके रख दूंगा। तो देखते हैं इस तरह बॉइल हो रही है। अब देखूंगा, वेट करूंगा कब तक ये बॉइल होगी। अब साल्ट पाउडर डाल दिया हुआ है, अब लड्डू चिली पाउडर डाल दिया है, इसको हिला लूंगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। है ये कौन रख गया है? ये मेरे तो नहीं रखा, मैं तो यहाँ पे भी बाल रहा हूँ। तो ये कौन रख गया है? पता नहीं किसे डाले हैं ये, मेरे तो नहीं डाल रही है फ्राइज। अब हमारे ये वाले पोटैटो जो है उबल चुके हुए हैं। अब तुम चाहे ला के दे लूँगा, हिलाना आप लोगों ने इसे चिमटे से ही है। ये वाले चिमटे से जब तक आप लोग हिलाएंगे नहीं, आगे पोटैटो नहीं हिलने वाले, ठीक है? तो देखिए, अब दे लूँगा कच्चे हैं या पक्के हैं, ये भी मैं चिमटे से ही चेक करूँगा। तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल सही है। अब दोबारा से इसको उबाल लूँगा, थोड़े से कच्चे थे तो दोबारा से उनको बॉयल करने के लिए रख दूँगा। अब जो पतीला शिफ्ट कर दूँगा कहीं और। तो गंदा पानी यहाँ पे जो फेंक चुका हुआ हूँ आप लोग देख सकते हैं सिंक पे। ओहो, मेरे सारे आलू नीचे यही जा रहे हैं, अब क्या करूँ? चले, अब सारा गंदा पानी फेंक दिया हुआ है, अब प्लेट पर जो उसको शिफ्ट कर लूँगा। आलू को जो हो अच्छी तरह सुखा लूँगा, आप लोगों से हो सके तो उसको धूप के नीचे ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हूँ मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगा। चिली सॉस यहाँ पे जो हूँ ऐड कर चुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो हूँ इसके अंदर चूरा चूरन ऐड करना है थोड़ा सा, 4 टेस्ट चूरन यहाँ पे ऐड होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से हो सके तो आप लोग छत से जाके स्प्रिंकल करिएगा, मैं तो करीब खड़ा था इसलिए मैंने यही लिखा। यहाँ पे जो हुआ मैं घर की बड़ी हुई मेथी ऐड कर दूँगा, और जो हुआ घर का बड़ा हुआ डाटदार ऐड कर दूँगा। अनारदार ऐड हो चुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ इसी में ही था अनारदारे में। अब यहाँ पे आलू ऐड कर दूँगा, चिली सॉस डाल दूँगा। अब जो हूँ फिर से आलू ऐड करूँगा थोड़े से, फिर से हलाऊँगा, फिर से आलू डालूँगा, फिर से हलाऊँगा, फिर से आलू डालूँगा, फिर से हलाऊँगा, यही लगा रहूँगा। अब जो हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा सा जो हूँ इसमें ऐड कर दूँगा। देखिए कितने चम्मच डाल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है क्या क्या डाली जा रहा है, मैं जो जो समझ आ रही है डाली जा रहा हूँ 4 टेस्ट। अब यहाँ अच्छा वाला घर का चूरन जो घर में पिसा हुआ जो है ना स्पेशल चूरन ऐड कर दूँगा। ये आप लोग चाहे तो अपने फ्राइज में भी डाल सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, उसी खाने में भी डाल सकते हैं। ये आप लोग की च्वाइस है कि आप लोग जिसमें मजी डालें। अब जो अब फिर से अनारदाना ऐड कर दूँगा, आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह जो मिक्स करूँगा। यहाँ पर इसको हिलाने के लिए थोड़ा सा वेट करूँगा। वहाँ पर ऑयल जो है मेरे साड़ने के लिए रख दिया हुआ है, इसको जो अब हिला लूँगा। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हिला रहा है मिक्स। आपने इसको जो है ऐसे से ही करना है, जो चावल वाला चिमटा नहीं होता इससे। अब जो है आलू जो है वो कड़ाही भी ऐड कर चुका हुआ हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताया गया चट्टे बड़ी पड़ रही थी बड़ी आँखों में, क्योंकि खाना बिल्कुल वो भी चढ़ के बनाता होता है। पहली वाली वीडियो में भी अपने आप लोगों को बताया हुआ है ये बात। तो बड़े मज़ेदार हमारे चिप्स रेडी हो गए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता होता हूँ मैं, तो आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर जो है फ्राइज बड़े अच्छे रेडी हो गए हैं, बिल्कुल धूप प्लेट में ऐड कर दूँगा, किसी प्लेट में डाल दूँगा, तभी छान लूँगा सारा ऑयल निकल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह हाफिज़।